हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं सी टी टी के लिए इम्पोर्टेंट बाल विकास के प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशा बोध है, यह विचार निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों में से किससे संबंधित है। एक बार फिर से प्रश्न को बोलती हूँ। शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशा बोध है, यह विचार निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बीओ स्मिथ, बी है क्लार्क, सी है वर्टन और डी है थॉमस एफ ग्रीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्टन। दो नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण को अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया माना है। ऑप्शन ए है जॉन ड्यूवी, बी है फ्लेंडर, सी है एडम्स और डी है रायवर्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लेंडर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षण क्रिया के तत्व होते हैं। ऑप्शन ए है दो, बी है तीन, सी है चार और डी है पाँच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तीन। शिक्षण क्रिया के तीन तत्व होते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से आश्रित चर है। ऑप्शन ए है अध्यापक, बी है पाठ्यक्रम, सी है छात्र और डी है मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छात्र। शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो आश्रित चर है सो छात्र है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है निदान करना, बी है उपचार करना, सी है मूल्यांकन करना, डी है ए बी सी तीनों ही। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए बी सी और ए बी और सी, ये तीनों शिक्षण का ये तीनों कार्य है, निदान करना भी, उपचार करना भी और मूल्यांकन करना भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है आकांक्षा स्तर, बी है रुचि स्तर, सी है अभिप्रेरणा और डी है बुद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आकांक्षा स्तर। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक के समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए है रायवर्न, बी है क्रो एवं क्रो, सी है क्लार्क, डी है एन एल गेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रायवर्न। क्वेश्चन नंबर आठ है, शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन ए है पाठ्य विषय वस्तु, बी है विद्यार्थी, सी है शिक्षक और डी है मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यार्थी। शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नौ है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षण सुनियोजित होता है, बी है शिक्षण लक्ष्य केंद्रित होता है, सी है शिक्षण निवेश है और डी है शिक्षण प्रेरणादायक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षण निवेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण का प्रमुख कार्य है विद्यार्थी में निहित अंतः शक्तियों का विकास करना, बी है निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना, सी है विद्यार्थियों के व्यवहार में परिमार्जन लाना और डी है समय से निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना। 11 नंबर क्वेश्चन है, आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। ऑप्शन ए है शिक्षण, बी है अधिगम, सी है व्यवहार परिमार्जन और डी है शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अधिगम। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पद के अंतर्गत समाहित है। ऑप्शन ए है शिक्षण नियोजन, बी है शिक्षण संगठन, सी है शिक्षण अग्रसरण और डी है शिक्षण नियंत्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
शिक्षण नियंत्रण। 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्नलिखित में से समाहित है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवस्था पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। आगे की वीडियोस में मैं और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आऊँगी जो आपके CET एग्जाम साथ में किसी भी TET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CET एग्जाम में NCERT बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैनल पे मैं NCERT बुक को भी एक्सप्लेन करती हूँ और NCERT का नोट्स भी बना के देती हूँ, तो आप देख सकते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।